संक्रमण करीब समाप्ति की ओर है। इसे देखते हुए पश्चिम नागपुर नागरिक संघ की ओर से श्री राम नवमी के अवसर पर रामनगर में 10 अप्रैल को शाम 5:30 बजे शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दी गई श्री राम शोभा यात्रा इस वर्ष छोटे प्रमाण में पुनः शुरू की जा रही है। इस दरमियान बताया गया कि प्रशासन और पुलिस के नियमों का पालन करते हुए उनकी अनुमति से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। पश्चिम नागपुर नागरिक संघ की धार्मिक विशेषता ऐसी रही है कि श्री राम पादुका की पालकी युवा मंडल अपने कंधे पर लेकर पूरे मार्ग पर घूमती है। शोभा यात्रा में इस वर्ष दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र की अयोध्या की प्रभु श्री रामचंद्र की प्रतिकृति व धनुर्धारी प्रभु श्री राम का चित्ररथ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। गए 2 साल से कोविड के डर की वजह से पूरे कार्यक्रम और मंदिर सब बंद थे। अभी जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम होते जा रहा है तो मंदिर की एक्टिविटी चालू हो गई है। अभी ये जो शोभा यात्रा है हमारे 47 साल से निकल रही है, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल की गैप हो गई थी। अभी इस साल हमने सोचे है कि परमिशन मिलने की थी, निर्बंध पूरे हटने के थे, कम से कम राम के चरण की जो पादुका यहाँ पे हम पूजा में रखते हैं उसको लेकर एक छोटा सा प्रोसीजर निकालने की पहले तैयारी की है हमने। लेकिन जैसे 1 तारीख से बाद में गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गए तो हमने छोटी मोटी तैयारी जो थी उसको थोड़ा सा और एनहांस रूप दिए कि ये शोभा यात्रा का रूप बना हुआ है। इस शोभा यात्रा में 6 झांकी है, ये 6 झांकी स्वयंचलित है और इसका स्वरूप बड़ा है, क्वालिटी इसके हमने जो है इसको बढ़ा दिया है। इसमें पहले हमने स्पॉन्सर नहीं लिए थे, मंदिर के तरफ से पूरी शोभा यात्रा निकालने वाले थे। इसके बाद में इसमें स्पॉन्सर भी जुड़ गए। एक जो रोकड़े ज्वेलर जो है, ये जो अपना राम का चित्रण जो है पहला, इसको लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया है। दूसरा राम मंदिर जो है, राम मंदिर की प्रतिकृति बनी हुई है, ये लकड़ी की बनी हुई है, ये 14 फुट इसका शिखर है और बाकी जो दोनों घूमट है ये 7-7 फुट के हैं। और इसके सामने मूविंग राम की झांकी है जो हाथ में धनुष बाण लेके मूवमेंट करेगी। ये चित्ररथ साउथ सेंट्रल जोन ने हमको स्पॉन्सर किया हुआ है। इसके बाद अपने से कौन गोयल गोयल जी अतुल गोयंगा जी जो थे लोकल लोकल मॉल वाले, उन्होंने एक चित्ररथ हमको स्पॉन्सर किया है। और फिर गैलेक्सी सोलर और एक मेंडेकर एंड फ्रेंड्स, ऐसे ही उन्होंने ये 6 चित्ररथ स्पॉन्सर हुए हैं। और इसमें युवकों का अट्रैक्शन जो है ये बाबू का संदल का है। और इसके पीछे में जो चलेगी हमारी ये सलमान मतलब बैंड है यहाँ का सुयोग बैंड, इसके पास साथ में 3 व्हीकल्स रहते हैं, नागपुर का जाना माना बैंड है ये हमारे साथ में रहेगा। इसके पीछे एक बस रहेगी जो सीनियर सिटीजन जो पूरे प्रदक्षिणा मार्ग में चल नहीं पाते तो उनके लिए एक बस का इंतजाम है। इसकी खासियत ये है शोभा यात्रा की, इसमें जो हमारे राम की जो ये रहती है पादुका, ये हाथ में पकड़ के पालकी चलती है जिसको स्वयंसेवक लेके चलते हैं और जो पैर में नंगे पैर चलते हैं। पूरा 8 किलोमीटर का रूट है अप्रैल महीने का, तपे हुए रास्ते रहते हैं, पूरे नंगे पैर लेके चलते हैं ये 8 किलोमीटर। ये शोभा यात्रा करीबन 4 घंटे का ऐसा समय है हमारा फिनिशिंग का, ये यहाँ पे 5:30 बजे ऐसे स्टार्ट होती है। रामायण शोभा यात्रा में श्री राम के जीवन पर आधारित चित्ररथ श्री राम रथ, रामायण का चित्ररथ प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन पर आधारित चित्ररथ तथा बाबुलगांव की संदल शोभा यात्रा का समावेश रहेगा। श्री राम मंदिर रामनगर से शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। पाजी प्रभु चौक, लक्ष्मी भवन चौक, मंदिर चौक, शंकर नगर चौक, बजाज नगर चौक, कॉफी हाउस चौक, झंडा चौक, लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनगर चौक, अभ्यंकर नगर चौक, VNIT गेट चौक, LED कॉलेज चौक, हिल रोड मार्ग, बाजी प्रभु चौक, श्री राम मंदिर तक शोभा यात्रा का मार्ग रहेगा। मार्ग में जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज नागपुर। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले,
खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।